वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। किसी की परेशानी सुनने के दो तरीके होते हैं, सुनकर या तो आप सिर हिला सकते हैं ऐसे, या फिर ऐसे। लेकिन एंटरप्रेन्योर सिर्फ सिर नहीं हिलाते, वो परेशानी सुलझाते हैं। तनुश्री बैनर्जी के साथ मिलिए लाइफ मोजो की टीम से। ऑफिस के हेक्टिक स्केड्यूल, जंक फूड और बैड रूटीन्स आपकी सरदर्दी भले ही हो, लेकिन हिमांशु, नमित और वरुण के लिए तो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी। आईटी इंडस्ट्री से जुड़े इन तीनों दोस्तों की खुद की भी यही मुश्किल थी, लाइफस्टाइल। इनमें से नमित ने अपना वजन कम करने के लिए कई वेट लॉस प्रोग्राम्स भी ज्वाइन किए, लेकिन जहाँ खाने पीने का परहेज छोड़ा, मोटापा वापस। साथ ही ऑफिस और जिम एक साथ मैनेज करना भी मुश्किल था, तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही सबक लेते हुए डिसाइड हुआ कि फिटनेस टिप्स ऑनलाइन दी जाए। तीनों ने मिलकर शुरू की एक वेबसाइट lifemojo.com, जिस पर कस्टमर को ऑनलाइन हेल्थ सॉल्यूशंस दिए जाते हैं। लाइफ मोजो सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, लाइफ मोजो वेबसाइट के साथ साथ एक ऑन फोन सर्विस है। तो जो lifemojo.com वेबसाइट है, वहां पर आप एज ए यूजर जाकर आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड, आप फिटनेस और स्पोर्ट्स प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, आपकी जो हेल्थ और फिटनेस प्रॉब्लम्स हैं वो आप लाइफ मोजो कम्युनिटी के साथ डिस्कस कर सकते हैं, और आप डेली बेसिस पर जो कुछ भी खाते हैं या जो एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी आप करते हैं वो आप वहां पे ट्रैक कर सकते हैं। और लाइफ मोजो वेबसाइट आपको ये बताती है कि आपने एक दिन में कितनी कैलोरीज बर्न की और कितनी कैलोरीज आपने कंज्यूम की। वेबसाइट बनाने के लिए और वेबसाइट पर एक्सपर्ट को हायर करने के लिए तीनों दोस्तों ने अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिए। तीन दोस्त हैं जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, मैं, नमित और वरुण। हम तीनों ने मिलके इनिशियली 8 लाख के आसपास इन्वेस्ट किया था, और ये जो मनी था ये हमने वेबसाइट बनाने में, उसकी डिजाइन में, और जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनको हायर करने में, और जो कॉन्टेंट हमने क्रिएट किया है उसमें यूज किया। लाइफ मोजो के इन हाउस डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट और दूसरे एक्सपर्ट की सलाह कस्टमर फोन करके ले सकते हैं, जिसके लिए कंपनी का कॉल सेंटर है। सर्विसेज हैं जिसमें हमारे खुद के हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं, जहां पर आप एज एन इंडिविजुअल उस सर्विस को परचेज कर सकते हैं। आप चाहें तो वेट लॉस करें या फिर डायबिटीज मैनेज करना चाहें, तो उस केस में हमारे खुद के हेल्थ एक्सपर्ट्स आपको ऑन फोन अवेलेबल रहते हैं। उसमें एक मंथली पैकेज होता है, वो हमारी सर्विस है। वन मोर पॉइंट इज दैट हमने ये हमेशा कोशिश की कि जहां पर हमारे कस्टमर्स हैं हम वहां पर प्रेजेंट रहें, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग साइट हो, चाहे वो जैसे फार्मास्यूटिकल शॉप्स हैं। तो हमने बैंगलोर में 100 से ज्यादा फार्मास्यूटिकल शॉप्स के साथ टाई अप किया, और हमारी रिटेल सर्विस आज भी वहां पर सेल होती है। तो ये पॉइंट्स हैं जहां पर लाइफ मोजो अवेलेबल है। इसके अलावा lifemojo.com में कई पैरामेडिकल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। इन पैरामेडिकल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए लाइफ मोजो ने कई मेडिकल स्टोर्स और हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप किया है। साइट पर जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे हेल्थ टिप्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो सब फ्री हैं, कोई भी यूज कर सकता है। लेकिन जो वहां पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो परचेज के लिए हैं, वहां पर हमारा मार्जिन होता है। हम उन प्रोडक्ट्स को कंपनी से सोर्स करते हैं और कस्टमर्स को सेल करते हैं। शुरुआती दिनों में अपने वेबसाइट के प्रमोशन के लिए इन्होंने रेडिफ, aim.com जैसी नामी वेबसाइट्स के साथ टाई अप किया। फिर धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से lifemojo.com को लोग पहचानने लगे। फिलहाल वेबसाइट के 35,000 रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। हेल्थ सेक्टर में बड़े मार्केट के लिए कंपनी कॉर्पोरेट पैकेजेस भी ऑफर करती है। तो ये जो डिफरेंट तरह के एक्सपर्ट्स हैं, नीड बेसिस पर उन एम्प्लॉइज को असाइन किए जाते हैं, और उसके बाद सिमिलर टू जो हमारी जो रिटेल सर्विस है, हम जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो एम्प्लॉइज को कॉल करते हैं एक शेड्यूल टाइम में, और उनको कंसल्ट करते हैं, और इस तरह से सारा प्रोग्राम चलता है। जो पहले से उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि मंथ वाइज आपका ये शेड्यूल रहेगा, और इसमें जो पेमेंट है वो कॉर्पोरेट हमें करते हैं एम्प्लॉइज के बिहाफ पे। 2008 में शुरू इस वेबसाइट का फिलहाल 60 लाख का टर्नओवर है। कंपनी को उम्मीद है कि कॉर्पोरेट सर्कल में अपनी प्रेजेंस दर्ज करके साल के आखिर तक ही टर्नओवर 1.25 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तनुश्री बैनर्जी, बैंगलोर।
और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ देखिए कैसे inkfruit.com ने आपकी टी शर्ट पर लाइन लिखने को ही बना लिया है अपना बिजनेस।